हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। रॉन्ग टू एक्सेस इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑन जीडीपी अलोन। मैंने पहले बहुत पहले एक वीडियो बनाया था, ऐसे ही किसी डेली के न्यूज़ में एडिटोरियल आया था जिसमें बात हुई थी क्या जीडीपी काफ़ी है। तो मैंने उसमें प्रॉपर समझाया था एग्जाम्पल के साथ। चलिए देखते हैं आज क्या बात हो रही है। ऐसे किसने बोला है? फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बोला है। चलिए, द फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑन फ्राइडे चैलेंज एस्पर्शंस कास्ट बाय सर्टन सेक्शंस ऑन द क्रेडिबिलिटी ऑफ इंडिया जीडीपी डेटा विच शोड अ 7.8% अपटेक इन द फर्स्ट क्वार्टर, स्ट्रेसिंग दैट द जीडीपी डेटा वॉज नॉट सीजनली एडजस्टेड एंड वॉज फाइनलाइज 3 ईयर लेटर एंड इट वॉज देयर फॉर रॉन्ग टू लुक एट द अंडरलाइंग इकोनॉमिक एक्टिविटी बेस्ड ऑन जीडीपी इंडिकेटर अलोन। तो यहाँ पे ठीक है, ये कह रहे हैं आइडियली क्रिटिक्स वुड हैव डन वेल टू लुक एट द सेवरल अदर ग्रोथ इंडिकेटर टू सी इफ अदर डेटा मैच देयर कंक्लूजन। परचेसिंग मैनेजर्स इंडिकेट्स इन इंडिसेस इंडिकेट्स दैट दी मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर आर ग्रोइंग। तो ये परचेसिंग मैनेजर एक इंडेक्स है। देखिए, परचेसिंग मैनेजर एक इंडेक्स है जो क्या बताता है, इंडिकेट्स दैट दी मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर आर ग्रोइंग। तो ये बताता है सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग आपका ग्रो कर रहा है। बैंक क्रेडिट ग्रोथ इज इन डबल डिजिट। बैंक क्रेडिट ग्रोथ, देखिए यहाँ पे, अब देखिए यही सारी चीज़ें होती है जो अब किसी भी एग्जाम में अगर आपसे पूछ देगा ना कि परचेसिंग मैनेजर क्या बताता है, क्या इंडिकेट करता है, तो यहाँ से ये चीज़ें आएंगी। और यहाँ पे वन लाइनर पूछ दे, इसके ऊपर हमें कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिंपल बताता है मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर आर ग्रोइंग, दैट्स इट। और ये है क्या, एक इंडेक्स है। किससे रिलेटेड? इकोनॉमी से रिलेटेड, बस इतना ही तो करना है। बैंक क्रेडिट ग्रोथ इज इन डबल डिजिट्स, देखते हैं क्या है। कंजम्पशन इज इम्प्रूविंग एंड द गवर्नमेंट हैज़ विगरसली रैम्प्ड अप कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर फिर इम्पोर्टेंट हो गया कि गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर क्यों बढ़ा रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, चलिए देखते हैं। द मिनिस्ट्री सेड इन अ पोस्ट ऑन सोशल मीडिया, ठीक है। हायर फ्रिक्वेंसी डेटा मस्ट बी रिलाइड अपॉन टू फॉर्म अ व्यू ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो ठीक है, हायर डेटा इस व्यू में होना चाहिए कि स्ट्रेंथ बताए वो इकोनॉमिक एक्टिविटी का। इफ एनी थिंग इंडियाज ग्रोथ नंबर माइट अंडरस्टैंड द रियलिटी बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ इंडिकेट्स बाई द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। देखिए IIP, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये एक और इंडेक्स हमारे लिए फिर यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है, IIP, ठीक है, इज फार लोअर देन वॉट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज आर रिपोर्टिंग। तो IIP बहुत अपना कम है, यही चीज़ बात हो रही है। द मिनिस्ट्री ऑल्सो कॉल्ड आउट रेफरेंस टू नॉमिनल GDP ग्रोथ बींग लोअर देन द रियल GDP ग्रोथ एज अ न्यू बोगी बींग स्प्रेड टू डिसक्रेडिट GDP नंबर्स एंड इंडिकेट्स दैट अंडरलाइंग इकोनॉमिक एक्टिविटी इज क्वाइट वीक। तो ठीक है, ये कह रहे हैं, मेरे को तो ये चीज़ सही लगती है भाई। अगर नॉमिनल डेटा हो तो भाई, चलिए मैं आपको एंड में बताता हूँ। इंडियाज GDP डिफ्लेटर, देखिए फिर आगे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट हमने लिया। इंडियाज GDP डिफ्लेटर इज डोमिनेटेड बाई दी होलसेल प्राइज इंडेक्स WPI, होलसेल प्राइज इंडेक्स पीक्ड इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ इतना ड्यू टू द ऑयल एंड फूड प्राइजेस इंक्रीजेस इन द वेक ऑफ द वॉर इन यूक्रेन एंड सप्लाई साइड डिसरप्शन। प्राइजेस बिगन टू केम डाउन फ्रॉम द अगस्त 2022 ऑनवर्ड्स, हेंस WPI इज नाउ ट्रेसिंग कॉन्ट्रैक्टिंग ईयर ऑन ईयर। यार एक तो ये मैं बता रहा हूँ मेरी प्रॉब्लम क्या है, ये जो ऐसे आधा वर्ड लिख के डैश दे देते हैं और फिर इधर, वो मेरे को बड़ा दिक्कत हो जाता है कई बार, वो बहुत वीडियो में होता है। इट विल सून पास ऑन पास वंस दी, देखिए फिर से स्टैटिस्टिकल बेस इफेक्ट डिसअपियर्स। तो मतलब ये बेस इफेक्ट अगर हटेगा तो वो फिर से पता चलेगा हमें सच्चाई क्या है। तो बेस इफेक्ट भी अपने लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। अब देखो ये आर्टिकल बहुत सिंपल है कि इन्होंने आर्टिकल बनाया, पर ये आर्टिकल वो समझ ही नहीं पाएगा ना जिसको ये बेसिक बेसिक टर्म्स पता है। इफ इन्फ्लेशन वर हायर, आगे इन्फ्लेशन आपके लिए फिर एक टर्म, वर हायर क्रिटिक्स वुड आर्ग्यू दैट द नॉमिनल GDP ग्रोथ इज मच हायर बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। बिल्कुल सही बात है, क्रिटिक्स की तो बात ही नहीं है, बिल्कुल सही कहेंगे ये लोग। एंड दैट देर वॉज लिटिल अंडरलाइंग एक्टिविटी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मोस्टली जो ये आपका GDP का डेटा कैलकुलेट करते हैं स्टेटिस्टिकल वाले, कैलकुलेट क्वार्टरली GVA है इन टर्म्स फर्स्ट एंड देन यूज द डिफ्लेटेड नॉमिनल वैल्यूज आर ऑप्टेन, ठीक है। नो वंडर नॉमिनल ग्रोथ रेट्स हैव स्लोड, नॉमिनल ग्रोथ कम हुआ है। विथ IPI WPI कॉन्ट्रैक्शन, होलसेल प्राइस इंडेक्स कॉन्ट्रैक्शन इन रिसेंट मंथ, दिस विल नॉर्मलाइज द
इन द कमिंग मंथ्स। ठीक है, इंडियाज रियल जीडीपी ग्रोथ वॉज 7.8% ईयर ऑन ईयर इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2023-24। दिस इज एज पर इनकम और प्रोडक्शन अप्रोच। देखिए, जीडीपी कैलकुलेट करने के भी तीन तरीके होते हैं और उसमें से एक तरीका है आपका इनकम और प्रोडक्शन, दो तरीके हो गए, इसकी बात हो रही है। एज पर एक्सपेंडिचर अप्रोच इट वुड हैव बीन लोअर, सो अ बैलेंसिंग फिगर स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी इज एडेड टू दिस एक्सपेंडिचर। देखिए अब क्या होता है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये तीनों मेथड से, इससे और आपका कौन सा हो गया एक्सपेंडिचर अप्रोच, इससे क्या होता है, मैं बहुत लेमन टर्म में बिना कोई फॉर्मूला बताए एक अगर समझाने की बात करूं तो मैं आपको बता दूं, टोटल लोगों का इनकम पता कर लो, तो उतनी चीज़ें देश में लोग बेचे हैं तो उनके इनकम वो हुआ है, तो वो देश का जीडीपी। कोई सर्विस कर रहा है तो वो उतना सर्विस बेचा है तो उसको उतने पैसे मिले तो वो उसका जीडीपी में काउंट हो गया, तो इनकम टोटल काउंट कर लो। या तो प्रोडक्शन आप काउंट करो, कितना वैल्यू ऐड हुआ है हर एक प्रोडक्ट में। मेरे पास कोई आटा आया, मैंने उसको ब्रेड बना के बेचा, तो मैंने 5 रुपये में ब्रेड बनाया, 10 रुपये में बेचा, तो वैल्यू ऐड किया 10 रुपये का। तो वो ऐसे करके हर सामान का ऐड करो तो वो प्रोडक्शन अप्रोच हो गया। एक्सपेंडिचर अप्रोच करो कि भाई अब इनकम आ रहा है तो इनकम खर्च भी हो रहा है, अब मैं कितना खर्च कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, गवर्नमेंट कर रही है, कंपनीज कर रही है, इंडिविजुअल कर रहा है, कोई ग्रुप कर रहा है, कितने कितने लोग खर्च कर रहे हैं। तो ये तीन तरीके से जीडीपी आपका कैलकुलेट होता है। अब क्या होता है, कई बार एक्सपेंडिचर अप्रोच वाले में आपका अगर कोई डिस्क्रिपेंसी होता है तो उसको हम लोग आपका स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी बोल देते हैं, कि अगर मानिए मैच नहीं हो रहा है, मैच तो होना चाहिए, पर जैसे होता है कई बार मैच ना हो तो उसमें हम लोग यही वर्ड यूज़ कर लेते हैं, डिस्क्रिपेंसी स्टैटिस्टिकल, इसलिए वैसा हो रहा है और उसको एस्टिमेट मान के चल देते हैं। डिस्क्रिपेंसीज आर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, क्योंकि कभी ये ज़्यादा होता है कभी कम होता है, तो उसको मैच करने के लिए पॉजिटिव नेगेटिव हो जाता है। ओवर टाइम दे वॉश आउट, टाइम के साथ वो उनकी वैल्यू नहीं रहती, द फाइनेंस मिनिस्टर कंटेंडेड। अब देखिए इस आर्टिकल में अपने लिए इंपॉर्टेंट क्या क्या हो जाता है। सबसे पहले इस आर्टिकल, ये मतलब मेरे हिसाब से एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल था आपका, मतलब एक सच बात बता रहा हूँ, इकोनॉमी के अच्छे खासे चैप्टर्स इसमें कवर हो रहे हैं, इन्फ्लेशन, ठीक है, दूसरा आपका इन्फ्लेशन माने महंगाई, जीडीपी, आपके कंट्री में एक साल में कितनी चीज़ें प्रोड्यूस हुई, चाहे वो आप करो चाहे फॉरेनर करे, पर वो इस टेरिटरी के अंदर ही होना चाहिए, वो हो गया आपका जीडीपी, उसकी वैल्यू का, फाइनल प्रोडक्ट्स के वैल्यू का कॉस्ट, ठीक है। तीसरा हो गया आपका क्या मेरे को बताना था, नॉमिनल। अब इसी में आप देखो, नॉमिनल भी आ गया और आपका एक रियल भी आ गया, और दूसरा आप देखो WPI, फोर्थ WPI आ गया आपका, फिफ्थ आपका बेस इफेक्ट आ गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे बेस इफेक्ट की बात हो गई, यहाँ पे WPI होगी, GDP डिफ्लेटर हो गया, देखिए GDP डिफ्लेटर, ठीक है, एक आपका ये परचेसिंग मैनेजर हो गया, परचेसिंग मैनेजर, ये आपका जैसे इसमें साफ बता ही दिया है, इंडिकेट्स द मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर ग्रोइंग, ग्रोथ उनका बताता है, और इसमें और क्या हमारे लिए हो जाता है, इन्फ्लेशन हमने बता दिया, और मॉपसी हमेशा अपना निकालता है, मिनिस्टर ऑफ स्टेटिस्टिकल अपना निकालता है, GDP हर महीने पर भी निकालता है, और ये रियल वाले पे चल रहा है, और ये काउंट करने के जीडीपी को तीन तरीके होते हैं आपके, ये मैंने यहाँ पे आपको बताया, और एक एयर था अपना IIP, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जो यहाँ पर है IIP, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो ये आर्टिकल, इसमें इतनी सारी चीज़ें इन्फ्लेशन होती है, ये तो महंगाई होगी, कितने दर महंगाई बढ़ रही है, ठीक है, जीडीपी आपका नॉमिनल हो गया, आप देखिए इसमें इन्फ्लेशन काउंट हो जाता है, इसमें हम लोग बेस ईयर का रेट लेते हैं, जैसे 2011-12 फिक्स है तो हम उसका रेट लेंगे, तो उसमें जो रेट चल रहे होंगे उसको इनटू क्वांटिटी अभी करेंगे हम लोग, जैसे प्राइस क्या होता है आपका, वैल्यू इनटू क्वांटिटी, कितना वैल्यू है कितना क्वांटिटी है, तो क्वांटिटी तो इस साल का लेंगे पर वैल्यू हम लोग बेस ईयर का लेंगे, तो ये हो गया आपका रियल, और इसमें वैल्यू हम लोग करंट ईयर का लेंगे, तो नॉमिनल में करंट ईयर का लेने से क्या होगा, इन्फ्लेशन एडेड होगा, तो नॉमिनल जीडीपी हमेशा ज़्यादा दिखाता है, तो रियल जीडीपी अपने एक रियल ग्रोथ बताता है, भाई 2011 से लेकर के हम 2023 में क्या ग्रोथ कर रहे हैं। खैर ये चीज़ अपना अब अपना बेस ईयर आगे और बढ़ना था, हर 5 साल में बढ़ता है, 15-16 के बाद ये बढ़ना था, अभी आपका 20 में पर पेंडेमिक के वजह से नहीं बढ़ा, अभी क्योंकि नई नई चीज़ें भी आ जाती है ना, नए नए प्रोडक्ट सर्विसेज आ जाते हैं जिसके वजह से वो बढ़ना चाहिए, हर 5 साल में गवर्नमेंट का ऐसा है कि बढ़ना चाहिए, पर अभी पेंडेमिक के वजह से हो गया, पेंडेमिक चला गया पर अभी तक ये बढ़ाया नहीं है गवर्नमेंट ने। तो ये होगी बात आपकी नॉमिनल और रियल जीडीपी की। यहाँ पे होलसेल प्राइस इंडेक्स है ये, और ये बेस इफेक्ट, देखिए अब बेस इफेक्ट ये होता है आपका कि
जस्ट अ सेकेंड, मैं आपको बताऊँ बेस ईयर क्या होता है, बेस इफेक्ट क्या होता है। पिछले साल मानिए कोरोना के टाइम बहुत सब कुछ गिर गया था, प्रोडक्शन वगैरह, तो उस साल पूरा नेगेटिव ग्रोथ हो गया था, नेगेटिव था ग्रोथ, पर हमने फिर वी शेप रिकवरी में इसको रिकवर किया। तो उस साल नेगेटिव से डायरेक्ट हम लोग पॉजिटिव में आए, तो इतना तो ग्रोथ भी नहीं हुआ होगा जितना उसमें हमने शो किया होगा, क्योंकि मानो आप खुद कैलकुलेट करिए, -7% से हम अगर +2% पर भी आ रहे हैं, तो यहाँ पर 2% ग्रोथ नहीं हो रहा है, ये ग्रोथ कुछ ज़्यादा दिखा रहा है, तो वो बेस ईयर इफेक्ट हो रहा है। पर रियलिटी में अगर हम लोग चेक करें, ये एबनॉर्मेलिटी कभी आई थी इसके वजह से ऐसा हो रहा है। तो वही अगर कभी ऐसा हो जाता है कि कभी बहुत ज़्यादा ग्रोथ है, तो उसके नेक्स्ट ईयर का ग्रोथ ऐसा आपको ज़्यादा दिखाएगा ही नहीं, भले वो थोड़ा भी ज़्यादा होगा, पर उसको मतलब अच्छा खासा ज़्यादा होगा, पर बेस ईयर की वजह से लगेगा अरे पिछले साल तो इतना था। वही है ना कि आप कभी ₹1,00,000 कमा रहे हो तो आपको फिर 50,000 लगेगा कि कुछ है ही नहीं, पर अगर 10,000 कमा रहे हो तो 50,000 लगेगा, अरे बाप रे बाप 50,000 हो गया। तो यही सारे टर्म्स थे इसमें, और अगर आपको हर एक टर्म पे ये जितने भी पॉइंट्स मैंने लिखे हैं 1 से लेके 8 तक, अगर आपको इसके ऊपर आर्टिकल या वीडियो चाहिए, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं एक एक टर्म ऐसे मतलब बेसिक से समझाऊंगा ना, कि किसी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, ये पता होना चाहिए यार, अब ये आर्टिकल न्यूज़पेपर में आया है तो सब लोग पढ़ रहे हैं ना, तो सबको पता होना चाहिए, बस बात वही है कि थोड़ा एक नॉलेज होना चाहिए अपने को। तो थैंक यू गाइज, एंड प्लीज़ वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स।